Good morning, student. I am Prabha Soni, your English teacher. How are you, children? I hope you are all fine. Children, this is your revision video. So, let's start, okay? आज हम chapter 5, semester 2, types questions. Yes or no type की questions के जो chapter है, उसके exercise को explain करेंगे, okay? So, let's start. Your first question is make words by arranging the letters in order. ठीक है, यहाँ पर कुछ letters लिखे हुए हैं जो arrange नहीं है. ठीक है, correct order में ये नहीं है, तो इन्हें हम correct order में लिखेंगे जिससे एक word बन जाए. ठीक है, for example, या अगर आपके question में ये लिखा रहता है कि rearrange these letters, इसका means भी यही होता है, इसको correct order में आपको write करना है. जैसे फर्स्ट नंबर पे देखिए आपका लिखा है N O I L, ओके, तो आप इसकी स्पेलिंग कैसे करेक्ट करेंगे, L I O N, लॉयन, ओके. नेक्स्ट है आपका M E L C A, इसको आप क्या लिखेंगे, कैमल, C A M E L, कैमल. नेक्स्ट है R A E B, इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी, बियर, B E A R, बियर. E R C H T A, ओके, इसको आप क्या, इसकी स्पेलिंग कैसे करेक्ट करेंगे आप, टीचर की स्पेलिंग आप बस लिखेंगे, T E A C H E R, टीचर. नेक्स्ट इज O एच आर एस ई, यहाँ पर किसकी स्पेलिंग होगी, हॉर्स की, एच ओ आर एस ई, हॉर्स. नेक्स्ट है आपका ई एस आर एन यू, यहाँ पर आप स्पेलिंग करेक्ट करेंगे नर्स की. ठीक है, एन यू आर एस ई, नर्स. नेक्स्ट है आपका वाई ई के एम ओ एन, मंकी, मंकी की स्पेलिंग करना है आप इसको करेक्ट, एम ओ एन के ई वाई, मंकी. नेक्स्ट है आपका ए एन टी पी एच ई एल ई, एलिफेंट, यहाँ पर आप एलिफेंट की स्पेलिंग लिखेंगे, ओके, एलिफेंट की स्पेलिंग क्या होती है, ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन दी ब्लैंक्स, क्या है फिल इन दी ब्लैंक्स, आपने जब चैप्टर हमने एक्सप्लेन किया था हमने पिक्चर्स के थ्रू यस और नो इसका आंसर दिया था, है ना, जैसे इसमें लिखा नो शी इज, जब इस जिस क्वेश्चन को हमने पढ़ा तो वहाँ पास क्या ऑप्शन था, इज शी अ टीचर, अपने क्या हमने क्या राइट किया था, नो शी इज नॉट, ओके, सी इज अ नर्स, तो नो शी इज अ नर्स, यहाँ पास आप क्या राइट करेंगे, नर्स, नर्स की स्पेलिंग एन यू आर एस ई, नर्स. नेक्स्ट है आपका दिस इज एन एलिफेंट, ओके, एलिफेंट की स्पेलिंग ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट. नेक्स्ट दिस इज अ मंकी, मंकी की स्पेलिंग एम ओ एन के ई वाई, मंकी. यस दिस इज अ कैमल, है ना, उसमें क्वेश्चन आपका था इज दिस अ बियर, तो आपने क्या लिख, सॉरी इज दिस अ बियर, वो बियर की तो पिक्चर नहीं थी, किसकी पिक्चर थी, कैमल की, है ना, तो यस दिस इज अ कैमल, सी ए एम ई एल, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेक प्यूरल्स, आपको यहाँ पर क्या करना है, प्यूरल्स बनाना है इन वर्ड्स के, तो कैसे करते हैं हम प्यूरल्स बनाने के लिए, अभी सिंपल वाला इसमें आपको सिर्फ एस लगा देना है, जो वर्ड है उसको राइट करना है ना, उसमें एस लगाते जाना है, जैसे फर्स्ट है आपका हैंड, तो हैंड का जब हम प्यूरल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, एच ए एन डी एस, हैंड्स. बुक का बुक्स, बी डबल ओ के एस, बुक्स. स्पून, एस पी
डबल ओ एन एस स्पूंस बैग्स बी ए जी एस बैग्स रोज आर ओ एस ई एस रोजेस। फिर नेक्स्ट है आपका बोट, बोट का क्या हो जाएगा बी ओ ए टी एस बोट्स। एप्पल, एप्पल का ए डबल पी एल ई एस एप्पल्स। कोट सी ओ ए टी एस कोट्स। डक का डी यू सी के एस डक्स। शूज, शूज का क्या हो जाएगा एस ओ ई एस एस एच ओ ई एस शूजेस। ठीक है, इस तरह से आपको इसमें एस लगाना है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज आपका लास्ट क्वेश्चन है नेम एनी सिक्स एनिमल्स। आपको सिक्स एनिमल्स के नेम राइट करने हैं, है ना। तो आप कोई भी एनिमल्स के नेम राइट कर सकते हैं, जैसे हमने इस चैप्टर में पढ़े उस एनिमल्स के हमने यहाँ पे नेम राइट किए हैं। आप चाहे तो और भी एनिमल्स के नेम राइट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था मंकी, मंकी की स्पेलिंग एम ओ एन के ई वाई मंकी, यहाँ हमने मंकी लिख दिया। ठीक है, बियर बी ई ए आर बियर, ये हमने बियर राइट किया। लॉयन एल आई ओ एन लॉयन। कैमल सी ए एम ई एल कैमल। एलिफेंट ई एल ई सॉरी ई एल ई पी एच ए एन टी एलिफेंट। हॉर्स एच ओ आर ऐसी हॉर्स। इस तरह से आपको क्या करना है, सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। ओके, है ना। जिन स्टूडेंट्स ने अभी बुक में फिल नहीं किया होगा फिल कर लेंगे। ओके, और इसका अपनी रफ कॉपी में रिवीजन करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।